कराते हैं, वोल्टेज वेरी कराते हैं, वेरी करवाते तो हैं। जाने वाला वोल्टेज मोटर में बढ़ता है और स्पीड बढ़ती है, तो ये इसको ग्रेजुएटर है, उसको चलाने वाला मास्टर कंट्रोलर है ये। हाँ फॉग है, लेकिन वैसा फॉग है, क्या बोलते हैं, लाइट लाइट। तो इसमें अपन मैक्सिमम 60 चल सकते हैं, 60 से ज्यादा नहीं चल सकते। अभी थिक होगा तो फिर अकॉर्डिंग टू फॉग अपने चलना पड़ेगा। आप देखो हमें एक खंबे का दिखाई दे रहा है, तो अपनी स्पीड क्या होनी चाहिए कि एक खंबे में गाड़ी खड़ी हो जाए, लगभग ये 20-21 स्पीड से चलता है। नहीं मतलब इसे मैकेनिक में जितना दिख रहा उतना चल, हां बेस पे, हां क्योंकि जितना विजिबिलिटी है ऑलमोस्ट विजिबिलिटी फिर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अभी एन रूट में कोई भी एबनॉर्मलिटी की आ सकती है, लोको पायलट को उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने का है और एक्शन लेने का, और एक्शन भी प्रॉम्प्ट होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए, टाइम ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है, नॉर्मली एबनॉर्मलिटी नहीं आती है, तो हम यहाँ पे एबनॉर्मलिटी के लिए उसको तैयार करते हैं कि रैंडमली एकदम गाड़ी पास हो गया, तो अभी ठीक है स्पीड कम थी, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं कि जाके अभी गेट के पास में खड़ा रहेंगे, देखेंगे कि भाई क्या है, गेट मैन की क्या कंडीशन है। अब देखो राइट हैंड साइड पे गेट मैन है, वो क्या है, रेड बता रहा है, गाड़ी खड़ा करेंगे, पता करेंगे भाई क्या रीजन है, तुमने बगैर सिग्नल दिया था कैसे। अब देखो उसने बंद कर दिया, सिग्नल हमें दिया, तो फिर अपन स्टार्ट हो सकते। ये बस अभी क्या सिमुलेटर दिखाना था सर को, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर रहता है ऑब्जर्वर रूम में, वो ये सब चीज नोट करता है कि जो लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट है वो कितना विजिलेंट है और उसका जो रिएक्शन है वो कितना प्रॉम्प्ट है और टाइम ऑफ रिएक्शन कहीं ज्यादा तो नहीं है। अलर्टनेस चेक करते हैं, हाँ उसका अलर्टनेस। तो एट्रीब्यूट मार्किंग में सर ऐसे ही है कि हम जो एट्रीब्यूट मार्क करते हैं, जैसे कि रेड सिग्नल दिखाई दिया, रेड सिग्नल देने के बाद में उसने एक्शन तो लिया लेकिन कितना प्रॉम्प्ट है, तो फिर हम उसको 8 देंगे या 9 देंगे, वो एकदम प्रॉम्प्ट है तो हम 10/10 भी देते हैं, हम कंजूसी भी नहीं करते। जैसे फ्लैशर एक बार सीधा फ्लैश हुआ और उसने सीधा खोल दिया, अब बहुत बोले साहब जल रहा है, बोले है, बोले क्या, बोले तो आपका टाइम ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अब वो रेंडमली, अब जैसे ये है फ्लेशर दिखाई दिया, ठीक है अभी फ्लेशर के पहले हमारी गाड़ी खड़ी हो जानी चाहिए, तो ठीक है हमारे पास में क्या है, मार्जिन है, तो हम यहाँ से भी नॉर्मली अभी गुड्स ट्रेन होगा तो वहीं पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि वहां पे जाके आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए, आप पूछ सके VHF से बात कर सके भाई क्या रीजन है कि आपने फ्लेशर क्यों चालू किया है। नॉर्मली फ्लेशर चालू करने का एक ही रीजन है, आप गाड़ी चला रहे हैं आपका बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, बीपी प्रेशर ड्रॉप हो गया मतलब आपकी गाड़ी क्या हो गई है, हो सकता है ड्रेल हो गई है, हो सकता है ट्रेन पार्ट हो गई है, क्या हो गया पता नहीं, आपको रीजन जब तक कंफर्म नहीं है तब तक आगे नहीं नहीं यू हैव टू फ्लैश द फ्लैशर लाइट। अच्छा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी क्या में क्या हो गया है, आप पहले फ्लैशर लाइट चालू कर दीजिए कि कम से कम सामने से साइमल्टेनियस जो ट्रेन पास हो रही है वो अपना एक्शन लेके खड़ा रह जाए। अभी अपने गाड़ी का टेलमेंट हो गया, बाजू वाली लाइन फाउल हो गई, हमें बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ है, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, हम पता नहीं यार कि चेन पुलिंग हुआ क्या। आप जब तक श्योर नहीं है, लोको पायलट की पहली ड्यूटी है कि आप प्रेशर ऑन कीजिए। सामने वाले लोको पायलट का ड्यूटी है कि फ्लैशर देख के उसका तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, बस। तो ये क्या है कि जो साइड वाले एक्सीडेंट है वो बच सकते हैं। क्लाउडी है, Thank you.
मत करना, बिना संभल के खड़े रहना, देना नहीं दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी सपोज करो कि उसने फ्लेशर जलाया, उसने फ्लेशर जलाया और इस वाले ने एक्शन नहीं लिया, इसने एक्शन नहीं लिया, इसका क्या हो चुका है? डेलमेंट हो चुका है। तो ये क्या करेगा? हिट कर देगा। क्योंकि मे बी ड्रिल भी हो गई है, कितना जर्क आए ना। तो ये सब चीज यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन, आप नॉर्मली हम लोको पायलट कैसा काम करता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एबनॉर्मल कंडीशन में कैसा काम करता है, कैसे रिएक्ट कर पा रहा है, मेंटली प्रिपेयर्ड उसके लिए है कि नहीं है। नहीं ठीक है सर, बोल रहे फ्रीज कर दो। हाँ जी हाँ जी।